क्लोज आके लग गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनक चंद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कनक धारा। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूं कि बहुत लंबे समय के बाद मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर लोड कर रही हूं, क्योंकि मैं काफ़ी अपने कार्यों में व्यस्त हो गई थी। थोड़ा स्वास्थ्य इश्यू हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आगे से मैं आपके लिए वीडियो लगातार डालती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल कनकधारा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री आनंद आश्रम वृद्धाश्रम में मनाए गए जन्मोत्सव को। आज श्री मनीष शर्मा जी ने अपनी बिटिया भारती शर्मा का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम और बड़े ही प्यार मंगलमय तरीके से मनाया। श्री मनीष शर्मा जी आज अपनी बिटिया और अपनी बिटिया की दोस्त को लेकर आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्होंने सारे बुज़ुर्गों से मुलाकात की। कुछ बुज़ुर्ग बीमार हैं, इसलिए वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। सबसे पहले तो बिटिया भारती ने सभी बुज़ुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। अपने जन्मदिन के अवसर पर वो बहुत खुश थीं, उनकी दोस्त भी उनके साथ थी, वो भी बहुत खुश थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वह बुज़ुर्गों के हाथ से केक खा रही हैं। बुज़ुर्गों ने बड़े प्रेम से उन्हें अपने हाथों से केक खिलाया। एक एक कर सभी बड़े प्यार से भारती को केक खिला रहे हैं। आज एक चीज़ मैंने और नोटिस करी, क्या सभी ने भारती को दो दो बार केक खिलाया। भारती बहुत ही इमोशनल भावुक लड़की है। जब उसे केक खिला रहे थे और केक कट कर रही थी, तो उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, और मैं उनके पिता का प्रेम और उनका प्रेम बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। दोस्तों, श्री मनीष शर्मा जी और भारती शर्मा ने आज बुज़ुर्गों के लिए न केवल केक बल्कि भोज की भी व्यवस्था की है। आज एक चीज़ और नई हुई आश्रम में, वो यह कि किसी ने अपने जन्मदिन पर स्वयं भोज बनाने में मदद करी। भारती स्वयं किचन में गई और उन्होंने पूरियां बुज़ुर्गों के लिए तली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी कम उम्र में वह बुज़ुर्गों के लिए इतना प्रेम भाव रखती हैं, या नीडी लोगों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए, जो कि अपने घर से बाहर रहते हैं, बेघर हैं, यहाँ आसरा लिया हुआ है, उनके दिलों में प्रेम जगाने के लिए, कुछ पल खुशी के देने के लिए वो आज यहाँ आई और बहुत खुश थी। सभी बुज़ुर्ग उन्हें अपने हाथों से केक खिला रहे हैं। आप देख रहे हैं इतना बड़ा केक वो बुज़ुर्गों के लिए लेकर के आए, बहुत सुंदर दिख रहा है। श्री आनंद आश्रम वृद्धाश्रम, जो कि रामपुर रोड गुरा पड़ाव बाईपास पर श्री चलाया जाता है, यह वृद्धाश्रम बेसहारा ज़रूरतमंद और गरीब लोगों के लिए है, जहां बाबा नीम करौली महाराज की कृपा से बुज़ुर्गों को सभी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आज बहुत ही सुखद क्षण है कि भारती और श्री मनीष शर्मा जी बाबा जी का आशीर्वाद लेने व बुज़ुर्गों को प्यार बांटने के लिए श्री आनंद आश्रम वृद्धाश्रम में आए, और उन्होंने सभी के साथ समय व्यतीत किया।
देखिए भोज भी तैयार है और जल्द ही आप सबको सर्व कर दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। श्री मनीष शर्मा जी की दिली इच्छा थी कि आज वो अपनी बेटिया की जन्म दिवस पर बुजुर्गों को भोज कराएं। बड़ा ही आत्मीय क्षण पिता और पुत्री के लिए। हर पिता चाहता है कि वह अपनी बिटिया को जन्मदिन पर खूब सारी ढेर सारी खुशियां प्रदान करें। आज वही खुशियां अपनी बिटिया को प्रदान करते हुए श्री मनीष शर्मा जी, उन्होंने आज, वो स्वयं भी भावुक थे, मैं देख रही थी, तो देखिए किस तरह के से हम सेलिब्रेट करते हैं उनका। ऊपर की लगा हां पता है आप ये किसके लिए ये अग्रवाल का नोट कम कम खाना ना भैया मीठा खाली उधर चावल भी मिठाई डाल लो बताओ के लिए चावल भी खाते तो मिठाई डाल लो सब खाते हैं चावल का मानते ही नहीं बिना चावल नहीं 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 ऐसे करेंगे तो ऊपर बात है बड़ा बड़ा चम्मच लेके बस चम्मच ले लिया टेबल से टेस्टी हो रहा आंटी सूजी आंटी खाया बहुत टेस्टी है खाओ 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 टेस्टी है क्योंकि आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं है आपको बेटी के जन्मदिन की कितने बच्चे हैं आपके लेकिन कहते हैं ना बिना कुछ पे किए कुछ मिलता नहीं है तो मैंने वो जो जा रहा हूँ अभी कोई नहीं खड़का दाल चावल के ऊपर यहाँ रखना दाल इसमें नहीं रख सकते ये थोड़ा सा डिमांड है